नमस्कार मित्रों, आज मेरे पास दो बैग्स हैं। ये बैग मैंने हाल ही मंगाई थी और ये है ट्रैवल पॉइंट की बैग है, आप अगर देखेंगे तो। और ये जो बैग है मेरी ट्रिबुक की बैग है, अगर आप ये देखेंगे, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 7-8 महीना हो चुका है इन बैगों को यूज़ करने के लिए। एक मैंने ली थी शायद 899 में, मतलब 900 रुपये में मैंने ली थी, और दूसरी बैग ली थी मैंने 660, ये ट्रिबुक का ऑफ़र था, उस पर मुझे ये बैग मिली थी। ओके, तो ये बैग्स का क्वालिटी और ये बैग्स का क्वालिटी, इसमें मुझे आज कंपैरिजन करना है। सबसे पहली बात, ये जो बैग मेरे पास आई, जिस कंडीशन में आई, आई वाज वेरी अपसेट, क्योंकि ऐसा छोटा सा पैकेट था, ऐसा बन के इन्होंने भेजा था, तो मुझे यही बात समझ में नहीं आई। ये ट्रैवल का बैग, उनका पूरा ऐसा ये खड़ा बैग था, इतना ऐसा ये पूरा आया, कहीं पर भी फोल्ड नहीं था, यहाँ पर एक फोल्ड था। मटेरियल हाथ में लेने के पहले ही, आपको ये बैग हाथ में लेने के बाद आपको समझ में आती है, ये बैग काफ़ी हल्की है, मतलब इसमें जो GSM है वो काफ़ी हल्का है। ये बैग मुझे मिली है 600 रुपीज़ में, तो उसमें देखिए, अभी ये 660 की है एक बैग और ये 600 रुपीज़ की है, उसमें ज़मीन आसमान का क्वालिटी का फ़र्क है। इसका जो मटेरियल है ये ट्रेकिंग ग्रेड है, रफ़ एंड टफ ग्रेड जैसा लग रहा है मुझे, और इसका ये जो मटेरियल लग रहा है, आई डोंट थिंक ये इतना रफ़ कैटेगरी है, ये सिंपल। GSM भी इसका काफ़ी कम है, क्वालिटी भी इतनी है, मुझे इतनी कुछ जची नहीं है, पर मुझे अभी एक बैग चाहिए थी, 600 रुपीज़ में मिल रही थी, इसके लिए मैंने उठा ली है ये बैग। तो एटलीस्ट मैं इसमें लाइट वेट कपड़ा और ये सब, ये 65 लीटर की है, ये 50 लीटर की है। तो अगर आप इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे, देखिए छोटी छोटी बातों का इन्होंने, ट्रिबुक ने अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। अभी ये साइड पाउच आप देखेंगे तो यहाँ पे मेश है, तो यहाँ पे क्लॉथ दिया है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे मेश है, यहाँ पे मेश है, मतलब बॉटल्स आप रख सकते हैं, पर कुछ हेवी चीज़ अगर रखनी है तो नहीं रख सकते। सबसे मेन चीज़ जो डिफरेंस इन दोनों में बनाती है वो ये है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पैड्स दिए हैं नीचे, जैसे कि आप कहीं पे रख रहे हैं या आप इसको माउंटेन्स पे रख रहे हैं तो कहीं डैमेज ना हो जाए। पर ये छोटी सी चीज़, ये 10 रुपये की चीज़ आती होगी, ये भी इन्होंने खर्चा नहीं किया है, यहाँ पे लगाया नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मेन आते हैं बाकी पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप इसके अंदर, ये इन्होंने इनके मार्केटिंग में लिखा है YKK चेंज करके है, पर ये मुझे कहीं पे भी YKK चेंज करके दिख नहीं रही है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये क्लियर कट लिखा गया है, ये YKK, ये आप ओपनिंग एंड क्लोजर आप देखेंगे, ये एक बैग है, दूसरी ये बैग नीचे है मेरे पास। ओपनिंग क्लोजर आप देखेंगे, ओपनिंग करेंगे क्लोज करेंगे तो आपको पता चलता है इसका स्मूथनेस क्या है और इसकी इलास्टिविटी ज़्यादा होगी। पर ये अपना जनरल बैग्स आते हैं ना, 100-200 रुपये वाले बैग्स, वैसे इनकी चेन लग रही है मुझे। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी। इसका जो स्ट्रैप है, इसको हाथ में लेते ही आपको एक फील आता है कि हाँ भाई, ये कुछ GSM भी अच्छा है, इसका मटेरियल भी अच्छा है, स्टर्डी है। पर इसको मैं हाथ में लेता हूँ तो ये देखिए, इसका ये श्रेड्स भी निकल के आया हुआ है, ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, ये इसका प्लास्टिक अगर आप देखेंगे, बटन्स, ये बक्कल्स इन्होंने जो दिए हैं वो इतने, मतलब मैं बोल सकता हूँ घटिया क्वालिटी है, मतलब पैसा लिया है, 600 रुपया लिया है, उस हिसाब से ठीक ठाक है, बट नॉट मतलब ये ट्रिबुक से कंपैरिजन नहीं है कर सकते। ट्रिबुक ट्रिबुक है, ट्रिबुक का एक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किया है, काफ़ी ऊपर है, और ये इनका ये जो है ट्रैवल पॉइंट करके है, ये एकदम मतलब घटिया बोल सकता हूँ मैं, मुझे पसंद ही नहीं आई है ये बैग, तो ये बात है। अभी इन्होंने कॉपी तो की है, ट्रिबुक की कॉपी की है, इन्होंने यहाँ पे पाउच दिया है, वैसे यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा पाउच दिया है, पर इसके अंदर का चीज़ है अगर आप देखेंगे तो वो मेन चीज़ आपको पता चलेगा। इसके अंदर जो लैपटॉप स्लीव दी है, ये यहाँ तक तो ठीक ठाक है, ये कपड़ा और ये कपड़ा, ये देखिए इन्होंने इधर स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, ये कपड़ा देखिए, इसके ऊपर ट्रिबुक का ब्रांडिंग किया है, ये कपड़े का स्मूथनेस, ये कपड़े का, ये तो जनरल रॉ मार्केट का जो मिलता है वो कपड़ा है, तो इसका जो स्मूथनेस है वो हाथ में लेते ही आपको लगता है भाई कुछ तो चीज़ मैंने उठाई है। के अंदर देखेंगे तो ये जो स्लीव है लैपटॉप की, ये डायरेक्टली यहाँ से चालू होती है, आपको शायद दिखे नहीं इतने, ये देखिए ये स्लीव यहाँ से चालू होती है, ओके, डायरेक्टली बैग का ओपनिंग है वहाँ से। पर इसका अगर आप देखेंगे इस बैग का ओपनिंग, तो इधर ओपनिंग यहाँ से चालू हो जाता है, पर इसका स्लीव कहाँ पे है, लैपटॉप का स्लीव देखो, ये एक फुट नीचे है, ये इसका ओपनिंग माउथ है और ये लैपटॉप स्लीव इन्होंने दिया है बोल के, और ये एक डेढ़ फुट अंदर है, एक फुट अंदर है, ये
इतना, मतलब यहाँ की इसके नीचे लैपटॉप स्लीव दिया। तो दीज आर ऑल डिफरेंसेस, पर ये मुझे क्वालिटी जो बोलते हैं स्टिचिंग के बारे में भी, इनका क्वालिटी अगर देखिए लाइन एंड लेंथ कहीं पे भी मेंटेन नहीं की गई है। और यही आप अगर ट्रियोग के बारे में देखेंगे तो ट्रियोग का क्वालिटी, ट्रियोग का लाइन एंड लेंथ, ट्रियोग का सब कुछ चीज़ टोटली अलग है। पैसा लेते हैं पर कुछ चीज़ देते हैं, ये चीज़ आप एकदम रगेड बोलते हैं ना, वैसी ये चीज़ है। आप ये कहीं पे भी कितने भी बार यूज़ कीजिए आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये शायद मेरे को ये चेन में ही मार खाया जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद में ही मुझे पता चलेगा कि ये कितना चलती है या नहीं चलती है। पर मैंने ले तो ली है, पर अभी मैं रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं इसको यूज़ करूँगा, देखता हूँ, अभी तक सोचा नहीं है मैंने। एक लिया है तो ट्राई करके देखते हैं कैसा क्या रहता है इसका एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आज के तारीख में मुझे कोई भी बोलता है कौन सा बैग लूँ, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ ट्रियोग का ही बैग लूँ। क्योंकि ट्रियोग का बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ छोटी छोटी निगेटिव फैक्टर्स भी हैं, बट इनका जो मटेरियल है, मटेरियल बैग हाथ में आते ही आपको पता चलता है कि दिस इज़ द बैग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ट्रियोग का ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया है। यहाँ इनका ब्रांडिंग देखो, ये रेडी टू गो लिखा है, अभी ये रेडी का आर भी निकल गया है। ये अभी नई बैग ली हुई है, मतलब अभी यूज़ भी नहीं की है, अभी के अभी आई, देखिए इसका ये टैग भी नहीं निकला है। ये बैग आई तो सही, पर इसके साथ में मुझे बिल नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया कहीं पे भी, मुझे इनवॉइस दिखा नहीं कोई भी जगह पे। सो दीज आर ऑल ड्रॉबैक्स। बाकी इसके पीछे इन्होंने लिखा है अर्गोनॉमिकल ये बैक है करके, पर ये भी गलत है। अभी इसमें देखेंगे आप, ट्रिवोक में देखेंगे आप, तो ट्रिवोक में देखिए ये इस टाइप का आता है। इसमें देखिए, इसमें स्पेशली आपको ये देखिए इस टाइप का आता है, तो जहाँ से हवा आने जाने का इसमें ज़रिया दिया गया है, इसमें भी ठीक ठाक है। पर इसमें ये ऐसा पैडिंग दिया है, पैडिंग भी काफ़ी कम है। इसका पैडिंग आप देखेंगे ना तो मुझे इसका थिकनेस लग रहा है हाथ को, ऐसा आपको फील नहीं होगा वो, पर इसका मुझे फील ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं ज़्यादा हेवी कुछ सामान डालता हूँ तो ये मुझे चुभेगा प्लीज। इसमें एक ही डिफरेंस है, इसका जो वेस्ट स्ट्रैप है उसमें आपको डिफरेंस पता चलता है। ये वेस्ट स्ट्रैप है, वेस्ट स्ट्रैप का ये देखिए 2 इंच का ये वेस्ट स्ट्रैप दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एकदम 1 इंची का स्ट्रैप दिया गया है, इतना फालतू है। और उसमें स्टिचिंग भी देखिए, इतनी गंदी स्टिचिंग मैंने अभी तक नहीं देखी आज ये बैग। और ये लोग बोलते हैं कि ये ट्रेकिंग ग्रेड का बैग है, तो लेट्स सी। अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं इसको यूज़ करूँगा। लॉन्ग टर्म इसका कैसे क्या है रिव्यू मैं 6 महीने के बाद में आपको बताऊँगा। बिकॉज अभी ली है तो मैं इसको रिटर्न नहीं करना चाहूँगा। अगर इतनी ख़राब रहेगी तो घर में मैं इसका कुछ ना कुछ तो पैकिंग के लिए मैं घर के अंदर ही यूज़ कर पाऊँगा, ट्रेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अवर चैनल और देखते रहिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।